हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों को लेकर आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बल पर ही आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान के पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से रिलेटेड टॉपिक, जिसके बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाते हैं, चाहे क्रिसमर हो, सेल्डन हो, हिपोक्रेटस हो, चाहे क्रोनोलॉजिकल एज हो, इन सभी से क्वेश्चंस 100% होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को क्लियर रखिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के आपका फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र एंड अधिगम से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ। यह यूथ कंपटीशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का रिवीजन करा रही हूँ। इसके बाद मैं ये बीपीएससी का अध्ययन कर रही हूँ, चाहे आप ईएमआरएस का, चाहे यूपी टीजीटी, यूपी अल्टीग्रेट, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2-3, चाहे आप बीपीएससी के 10-12 या किसी का कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे केवीएस एनवीएस का, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं, सभी के थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है, वन लाइनर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ समय नष्ट न करते हुए। क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन से रिलेटेड है कि मोटापा ग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभिकथन के रूप में पूछा है। सीधे पूछ सकता है कि मोटापाग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई कितना होता है, तो आप याद रखिए 30 से अधिक होता है। और जो आल गुड होता है उसका होता है 19 से 23 के बीच में, तो मोटापाग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है, अभिकथन ए तो राइट है। तर्क आर क्या कहा गया है इसके संबंध में, कि बीएमआई व्यक्ति की पौष्टिक दशा को इंगित करता है, यानी कि उसके वसा को मापता है, इसकी वो लंबाई और वजन के हिसाब से ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन राइट है, बट जो है आर जो तर्क है, ए के संबंध में तर्क करना चाहिए कि आखिर में मोटापाग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक क्यों होता है। इस चीज का आपको वो तर्क देता है तो माना जाता कि ए सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। इस तरह से अभिकथन का आंसर दिया जाता है, जान लीजिए। तो ए जो क्वेश्चन रहेगा अदर, यदि वो सही रहेगा तो उसके संबंध में तर्क देगा कि आखिर में क्यों है आर, ठीक है। तो इस प्रकार आप अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो यहाँ भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप बॉडी टाइप के बारे में क्वेश्चंस हैं। आप मेरी 10-15 वीडियो में लगातार ऐसे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं जिसको प्रैक्टिस करते करते आपकी ज़ुबान पे हो गया होगा। अब मैं यही चाहती हूँ कि आपकी ज़ुबान पे क्वेश्चन का आंसर घूमे, जिससे आप एग्जाम हॉल में देखते ही समझ जाएं कि हाँ वही क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है स्थूलता। स्थूलता मतलब गोलकाय, स्थूलता मतलब गोलकाय, यानी कि एंडोमॉर्फिक। सेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक एंड क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक। तो यहाँ पे एंडोमॉर्फिक कहाँ दिया हुआ है, वन का टू हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, वन का टू हो गया। रैखिकता, रैखिकता किसका हो जाएगा, यानी कि एक दुबला पतला शरीर जिसमें अस्थि प्रधान बॉडी होता है, सेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फिक होगा, तो यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक हो जाएगा 2 का 4। 3 है मांसपेशिया, यानी मांसपेशी प्रधान मेसोमॉर्फिक होता है, मजबूत शरीर याद रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेसोमॉर्फिक 3 का 1। नमनीयता मतलब लचीलापन, किससे मापा जाता है, गोनियोमीटर से। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बीएमआई की पहला क्वेश्चन था कि सबसे अधिक मोटापा जो है, मोटापा ग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई कितना होता है, 30 से अधिक होता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा, मैं इसका एक्सप्लेन करना भूल गई थी, जो 22 है वर्ल्ड का सबसे अच्छा बीएमआई होता है, 22 जिसमें आल गुड होता है, अगर 22 19 से 22 के 22.9 के बीच में है तो आप सही हैं,
लेकिन अगर 19 से कम है, 16 से 18.9 के बीच में है, तो आप अंडरवेट में, यानी कम वेट है आपका बॉडी हाइट और लंबाई के हिसाब से, जिसमें आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वीकनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, मसल्स ब्रेकडाउन एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स हो सकता है, बट 19-22.9 के बीच में है तो ऑल गुड रहेगा, आपका नॉर्मल होगा। और जब 19-22.9 से ज़्यादा होगा, 23 से 24.9, तो ओवरवेट के हो जाएंगे, थकान, पाचन, सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह आपका जो वेट जो है 25-28.9, 29-29, 33.9 यहाँ पे आ जाएगा तो ओवरवेट हो जाएंगे, 33 से ऊपर हो जाएंगे तो ओवरवेट हो जाएंगे 30 से ऊपर। ओबेसिटी यानी मोटापा का प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसमें आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, फैटी लीवर आदि सारी बीमारियां हो जाएंगी। याद रखिएगा 22 वर्ल्ड का सबसे बेस्ट BMI है, अब 22.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डेली एक्सरसाइज से ये सभी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है, ये भी जानिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न लेखकों द्वारा कई प्रकार की सोमेटो टाइप्स बताए गए हैं, इनमें से कुछ सोमेटो टाइप्स कौन है? तो दोस्तों सोमेटो टाइप्स को सेल्डर ने बताया था, तो यहाँ पे सेल्डन ने एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक बताया, बट यहाँ पे सेल्डन का दिया नहीं है, यहाँ पे तो दिया हुआ है क्रिस्मर का, तो उनके जो जो बॉडी टाइप में बांटे हुए थे उन्हीं को बताना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन फंसा के पूछेगा तो आपको ध्यान देना है कि सेल्डन क्रिस्मर के कौन कौन से सोमेटो टाइप यानी बॉडी टाइप हैं। तो उन्होंने पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक तीन भागों में, और चौथा डायट प्लास्टिक बांटा था, तो यहाँ पे तीन ही दिया है, तो कौन राइट हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? तो 1, 2 एंड 4 कौन सा दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के निम्नलिखित सैद्धांतिक उपागमों को उनके प्रचारित प्रसारित होने के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड थ्योरी दिया है, जिसको किसने दिया है? एंड साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायर ने, कॉग्निटिव थ्योरी दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत जीम पियाजे ने, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इतने सारे हैं, जिसमें से सबसे पहले आया साइकोडायनेमिक, यहाँ पे होना चाहिए साइकोडायनेमिक थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है इसको ही बता देती हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। तो सबसे पहले होगा आपका साइकोडायनेमिक थ्योरी, उसके बाद ट्रेड थ्योरी, उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी, तब कॉग्निटिव थ्योरी लास्ट में आया है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलान करना है, कुछ शब्द हैं संचार, कार्योन्मुख, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस समय, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी हल कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संचार का क्या काम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेशों को भेजना, तो क्या हो जाएगा? एक का फोर हो जाएगा, यानी कि इसमें हम प्रेषक से प्रापक तक सामग्री का संप्रेषण करते हैं, ठीक है। एंड कार्योन्मुख व्यक्ति क्या होता है? तुरंत निर्णय लेने का उसमें कौशल होता है, कार्य उन्मुख व्यक्ति जो होता है उसमें तुरंत निर्णय लेने का कौशल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन थ्री, तुरंत निर्णय लेने का कौशल। आत्मविश्वास किसे कहते हैं दोस्तों? कि कठिन भी कठिन परिस्थितियों में आप जो है अपने धैर्य को बनाए रखना, यानी चुनौती भरी स्थिति का सामना करने की जो योग्यता होती है उसी को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास। उत्तरदायित्व क्या होता है? कि किसी कोई काम आपको सौंपा गया है तो वो अच्छे ढंग से आप उसको संपूर्ण करते हैं, यानी किसी बड़े या छोटे कार्य के लिए उत्तरदायी होना ही क्या होता है? उत्तरदायित्व। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ये है कि व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक क्रोड गहराई तक बैठा हुआ घटक है, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व की विशेषताएं, मूल्य, अभिरुचियां, उद्देश्य तथा आत्म अर्थ सम्मिलित हैं। ये आपका राइट है। आर तर्क है कि व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक क्रोड गत्यात्मक तथा वाह्य है और परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा सही है? तो यहाँ पे सी सही दिया गया है, ए सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस सूत्र से बुद्धि लब्धि की गणना की जाती है? तो बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है एम ए बट्टा सी ए गुड़े सौ, एम ए बट्टा सी ए गुड़े सौ। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, मापन किया टाइमैन ने, और बुद्धि का मापन सबसे पहले किया अल्बर्ट बीने ने 1905 में, और लेकिन आईक्यू का सूत्र द्वारा मापन एम ए बट्टा सी ए गुड़े सौ ए दिया आपका टर्मन ने, और सबसे पहले इसको दिया था स्टर्न ने, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से दिया मापन किया बुद्धि लब्धि का टर्मन ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शारीरिक लक्षणों में शामिल है, 5 वर्ष से कम वर्ष का बच्चा है उसमें क्या क्या शारीरिक लक्षण होंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है नीचे, 4 ऑप्शन भी उसके अनुसार, यानी कि बच्चे को बार बार विश्राम की आवश्यकता होती है। सही बात है, 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो वो ज़्यादा सोता है, उसको ज़्यादा, क्योंकि उस समय बच्चे के शरीर में निर्माण कार्य चलता होता है, तो उस समय बच्चा जो है ज़्यादा सोने की आवश्यकता होती है, तो बार बार विश्राम करता है। एंड यहाँ पे दोस्तों 2 नहीं होगा, आँख आँख हाथ का समन्वय पूरी तरह विकसित रहता है, नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे आपका होगा लिंग भेद के चिन्ह उभरे नहीं होते, तो उस समय सही बात है, उतना नहीं उभरा होता है, हार्मोनस बैलेंस उस समय इम्बेलेंस नहीं होता है और वो चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। एंड चौथा है, हाथ और उंगलियों की मांसपेशियां पूर्तियां विकसित रहती है, तो मांसपेशियां तो विकसित रहती ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 1, 2, 3 एंड 4, 2 आपका नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का केंद्र बिंदु बदल गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यह सक्षमता का उन्मुखी था शारीरिक शिक्षा, लेकिन समय के अनुसार ये क्या हुआ, बदलता जा रहा है, समय के अनुसार जो इसका केंद्र बिंदु है वह बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सबसे पहले यह सक्षमता उन्मुख था, फिर कौशल उन्मुख हुआ, फिर स्वास्थ्य उन्मुख हुआ, उसके बाद लास्ट में ये आपका शैक्षिक एवं अन्वेषण उन्मुख है जो अभी वर्तमान में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तित्व का आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। व्यक्तित्व का आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता का सिद्धांत या आत्मसिद्धि का सिद्धांत। एंड बी है, व्यक्तित्व का आत्मबोध का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था, और 2 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। व्यक्तित्व का आत्मरचना सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज केली ने दिया था। व्यक्तित्व का आत्म क्षमता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो गया है, बार बार पूछा गया है। कालक्रमिक आयु जो है वह वर्षों महीनों दिनों में ज्ञात किया जाता है, तो 1 का 4 हो जाएगा, इसको हम कैलेंडर आयु, स्कूल एज, मार्क्सिट एज आदि नामों से जाना जाता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एंड
रचना आयु में क्या किया किया जाता है, अस्थियों और दांतों की गणना किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 अस्थि तंत्र की वृद्धि और विकास से ज्ञात किया जाता है। शरीर वृत्तीय आयु यानी कि फिजियोलॉजिकल एज यानी कि जो हमारे यौनावस्था से संबंधित हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है उसके आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो टी का 3/1 हो जाएगा, ठीक है। एंड मानसिक आयु में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो 4/2 हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट क्वेश्चन आंसर है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत यानी कि सरपल्स एनर्जी थ्योरी किसने दिया है, तो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सरपल्स एनर्जी थ्योरी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, तो यहाँ पे कौन आपका राइट हो जाएगा, सीलर कहाँ दिया हुआ है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1A आपका राइट होगा। एंड कैथेटिक थ्योरी यानी कि रेचन विरेचन धारणा किसने दिया था, तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने दिया था, अरस्तु को ही एरिस्टोटल कहा जाता है। पुनरावर्तन यानी पुनः अवलोकन धारणा यानी पुनर्कथन धारणा जिसे रिकैपिचुलेटरी थ्योरी कहते हैं, इसको किसने दिया था, स्टेनली हॉल ने दिया था, 3/3। एंड मनोविनोद यानी मनोरंजन धारणा रिक्रिएशनल थ्योरी किसने दिया था, लॉर्ड केम्स ने दिया था, किसने दिया था, लॉर्ड केम्स से, 4/1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि अच्छी अंग भंगिमा से व्यक्ति शिथिल आरामदायक तथा सुगमता से क्षमता के साथ प्रतिदिन के कार्यों को कर सकता है। सही बात है, आप मजबूत रहेंगे, अच्छा अंग भंगिमा रहेगा तो कोई भी कार्य आरामदायक स्वच्छता से प्रतिदिन कर सकेंगे, उसी को तो फिटनेस कहते हैं। और इसके संबंध में तर्क आर दिया गया है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में खराब अंग भंगिमा के कारणों में अव्यवस्थित पोशाक, बैठने पढ़ने और लिखने की गलत आदतें तथा भारी स्कूल बैग का ले जाना है, ये सब गलत बात है। यहाँ पे ए आपका सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ये सही है परंतु आर गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से ही रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोन्मुख विकास करना है। सही बात है, इस प्रकार की को अभिकथन देगा, आराम से आप तर्क कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो ए आपका सही है। देखते हैं तर्क आर क्या दिया है कि मनुष्य को जीवन जीने और सोच विचार की विश्वस्त और बुद्धिमत्तापूर्ण पद्धति प्रदान करने की खोज करता है, तो बात यहाँ पे आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि कैसे सर्व शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वमुखी विकास है, लेकिन सही दोनों हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि ए और आर दोनों सत्य है बट आर ए का सही व्याख्या नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे संरचना आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज में क्या होता है, अस्थियों दांतों से गणना किया जाता है आयु का, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। एंड बी है शरीर क्रियात्मक आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज में आपको जो हार्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं उत्सर्जन होते हैं यौनावस्था में वो हो जाएगा, बी का 3, ठीक है। एंड कालक्रमिक आयु जो है वर्ष माह दिन में ज्ञात किया जाता है जिसको हम कैलेंडर आयु स्कूल एज मार्कशीट एज कहा जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा। मानसिक आयु जो है उसमें समस्या का समाधान किया जाता है, बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो डी का 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार सूची A2 के साथ सम्मिलित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो फ्रायड के ही सभी बातें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये आपको जरूर पूछ सकता है कि नार्सिज्म मतलब होता है अपने ही शरीर पर निर्धारण, ठीक है, नार्सिज्म मतलब होता है अपने ही शरीर पर निर्धारण, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, नार्सिज्म मतलब होता है अपने ही शरीर पर निर्धारण। एंड ऑटो इरोटिज्म होता है
ऑटो इरोटिज्म जो है प्राकृतिक लिंग उत्तेजन जो होता है उसे ऑटो इरोटिज्म कहते हैं। ईडी पशु, बालक का माता से कार्य लगाव। ईडी पशु किसे कहा जाता है? जब बालक का माता से लगाव होता है। इलेक्ट्रा जो है जब बालिका का पिता से लगाव होता है उसे इलेक्ट्रा कहते हैं, और जो बालक का माता से लगाव होता है उसे ईडी पशु कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि संशोधन प्रक्रिया की सीमाओं में आता है। तो संशोधन प्रक्रिया की सीमाओं में क्या आता है आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा कि भाग लेने वाले की मनोवृत्ति तथा रस और प्राप्त साधनों की सूक्ष्मता ही संशोधन प्रक्रिया की सीमाओं में आता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तब उसकी स्थिति और क्षमता में परिवर्तन देखा जाता है, जो किसी भी कार्य की प्रकृति पर तथा व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया के संशोधन प्रक्रिया की सीमाओं में भाग लेने वालों की मनोवृत्ति तथा इस ओर प्राप्त साधन सूक्ष्मता का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व के स्व मूल्यांकन के घटक हैं। तो स्व मूल्यांकन की बात कर रहा है, व्यक्तिगत मूल्यांकन की। तो ये इसमें आपका शक्ति और कमजोरी हो जाएगा कि हमारे पास शक्ति कितना है और हमारे पास क्या कमजोरी है, इसकी हम जांच करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, यानी कि शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व के अपने आप का मूल्यांकन करना होगा कि के घटक हैं कि शक्ति यानी किसी कार्य को करने की क्षमता कितनी है, कमजोरी यानी कि किसी कार्य को करने की अक्षमता या थकान का अनुभव हम कैसे करते हैं, इसको हम अध्ययन करेंगे। एंड नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांत अधिकतम लोगों में संतुष्टि लाते हैं। व्यक्तिगत प्रबंधन की बात यहाँ पे कर रहा है। तो व्यक्तिगत प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांत अधिकतम लोगों में संतुष्टि लाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। यानी कि पहले उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा हम बनाएंगे, उसके बाद आपका अधिकारों का हस्तांतरण करेंगे, फिर समन्वय टीम वर्क पर कार्य करेंगे, फिर आपका होगा जीविका संवर्धन। क्या होगा? जीविका संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की शारीरिक बनावट के घटकों में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति की शारीरिक बनावट के घटकों में लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास, दुबला पतला शरीर और मोटा शरीर, ये शामिल होता है। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? वन और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड यहाँ पे आपका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मानव शरीर की आकृति को पूर्ण रूप देने में एलबीएम यानी लीन बॉडी मास यानी दुबला शरीर द्रव्यमान शरीर संरचना का वह घटक है जो कुल शरीर के वजन से वसा वाले वजन को घटाकर गणना करता है, यानी कि जो वसा रहित बॉडी होता है उसको लीन बॉडी मास कहते हैं। एंड FBM यानी कि फैट बॉडी मास मतलब मोटा शरीर और द्रव्यमान शरीर संरचना का वह घटक जो कुल शरीर के वसा को शरीर वजन में सम्मिलित करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है कि लीन बॉडी मास का मतलब क्या है, मतलब वसा रहित शरीर, एंड फैट बॉडी मास का मतलब होता है वसा को सम्मिलित करके शरीर। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अधिगम वक्र के आधार पर निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि अधिगम वक्र जो है वह तीन प्रकार का होता है, ऋणात्मक धनात्मक और मिश्रित वक्र, एक प्लेटू होता है। तो ऋणात्मक जो होता है, जो धनात्मक हो ऋणात्मक होता है, प्रारंभ में गति तेज होती है, बाद में क्या होती है, मंद पड़ जाती है। और जो धनात्मक होता है वह प्रारंभ में गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। और जो मिश्रित होता है उसमें घटता बढ़ता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि न घटता है न बढ़ता है, उसी को प्लेटू कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अधिगम वक्र के आधार पर इसको क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको।
तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्रम अनुसार यानी कि एक अधिगम के आरंभिक अंतराल काल होता है, उसके बाद अधिगम में वर्धमान यानी वृद्धि होती है, फिर ह्रासमान होता है, फिर इसमें प्लेटू बन जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि खेल एवं व्यायाम में व्यक्तित्व के अध्ययन का प्रमुख मार्ग लक्षणीय अवस्था एवं अन्योन्य क्रिया उपागम है। यह बात सही है। तर्क आर है कि समानता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबद्ध लक्षणों की जानकारी सदैव पूर्वानुमान लगाने में सहायक नहीं होती कि व्यक्ति एक विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभिकथन ए है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है। ये तो एकदम राइट है, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इसको देखकर ही हर एक चीज़ का टाइम टेबल या जो हम बनाते हैं लेसन प्लान उसको बनाना चाहिए। एंड आर है कि तर्क आर है कि सारे क्रियाकलापों को निर्धारित करने के पहले व्यक्तिगत अंतर पर यथोचित विचार कर लेना चाहिए। ये तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका राइट हो रहा है एंड तर्क भी इसका अच्छा है, तो कौन आपका राइट हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर घनत्व को शरीर वसा परसेंट में परिवर्तन के लिए आम समीकरण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। वसा का प्रतिशत बराबर 459 बटा शरीर घनत्व माइनस 450। नेक्स्ट है, प्रक्षेपी तकनीक द्वारा व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें? तो ए यहाँ पे राइट होगा, ए और सी का, यानी कि शब्द साहचर्य और वाक्य समापन एंड कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। एंड नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि टेम्पोरल लोब की क्षति मनोवैज्ञानिक अंधापन पैदा कर सकती है। जो हमारा टेम्पोरल लोब है, जैसे कि फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, इतने लोबों में बांटा गया है हमारे मस्तिष्क को। तो टेम्पोरल लोब जो हमारे कान यानी कि सुनने की क्षमता और अंधापन जो होता है कि टेम्पोरल लोब की क्षति मनोवैज्ञानिक अंधापन पैदा कर सकती है, राइट है। तर्क आर है कि टेम्पोरल लोब बनाता एवं एकत्रित करता है दृष्टिगत एवं शाब्दिक स्मृति को। तो सही बात है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक मॉडलों पर आधारित व्यक्ति आकलन में समय बीतने के साथ बदलाव आया है, नीचे दिए गए कूटों का चयन करते हुए अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए राइट होगा। यानी सबसे पहले प्रारूप सिद्धांत डब्ल्यू सेल्डन ने दिया, फिर 16 व्यक्तित्व कारक जी आल पॉट ने दिया, फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा मैक क्लेलैंड ने दिया, फिर बिग फाइव फैक्टर्स गोल्डबर्ग ने दिया। तो दोस्तों ये था आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड 4-5 वीडियो, ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा और संवेग, यानी मोटिवेशन एंड जो संवेग यानी जो इमोशन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप बिहार या स्टेट में देख ही होंगे 5-6 क्वेश्चन अभिप्रेरणा मोटिवेशन से था, जो दो प्रकार का होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक को सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं और बाह्य को नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।